गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? आंसर है, साहित्य के विकास अधिक होने के कारण। साहित्य के विकास अधिक होने के कारण। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन चाइनीज यात्री भारत आया था? वेनसोंग। वाह, बहुत बढ़िया, आंसर बोलते रहिए आप लोग, हमको दिक्कत नहीं है। वेनसोंग। हर्षवर्धन के समय में चाइनीज यात्री आया था, वेनसोंग। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीन का यात्री आया था, वह फाहियांग। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीन का यात्री आया था, फाहियांग। फाहियांग। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे लियाकत अली। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने तीन पुस्तक कौन सी लिखी थी? जी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नगानंद। हर्षवर्धन ने तीन पुस्तक कौन सी लिखी थी? रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और नगानंद, और नगानंद। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट। वानभट्ट। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? मुर्रा। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? मुर्रा। मुँह र के ऊपर र आकार, मुर्रा, मुर्रा। नेक्स्ट, चाणक्य मगध के कितने राजाओं का मंत्री रहा था? चाणक्य मगध के कितने राजाओं का प्रधानमंत्री रहा था? तीन, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। नेक्स्ट, अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? वह आजीवक गुरु पिंगल वत्स। अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? पिंगल वत्स। पिंगल वत्स, वत्स, पिंगल वत्स। नेक्स्ट, अशोक के माता का नाम क्या था? हाँ, सुभद्रांगी।
अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट, कौन सा मुगल बादशाह मीना बाजार में जयपुर के महारानी का हाथ पकड़ लिया था? अकबर। वाह, जयपुर के महारानी का हाथ पकड़ लिया था अकबर जी। नेक्स्ट, कुक्कुट पालन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय कुक्कुट पालन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिल्कुल सही, हैसरघट्टा आंध्र प्रदेश। हैसरघट्टा आंध्र प्रदेश। जी नेक्स्ट, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं? केवल सी। ए भी है, बी भी है, लेकिन जब एक किसी को बोलना हो तो सी ए होगा। किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहते हैं? सी। नेक्स्ट, जीरोथैलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? ए। जीरोथैलमिया यानी रतौंधी। जीरोथैलमिया किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन है जो लीवर में स्टोर हो जाते हैं? हाँ, ए डी ई के, बिल्कुल सही, ए डी ई के, एडेक। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा मानव का अंग है जिसे काट कर डोनेट करने पर पुनः विकास कर जाता है? लीवर। बहुत बढ़िया, कौन सा ऐसा मानव अंग है जिसे काट कर डोनेट करने पर पुनः बढ़ जाता है, विकास कर जाता है? जी नेक्स्ट, मानव शरीर में दर्दहीन ग्रंथि कौन है? लीवर, बिल्कुल सही जवाब। मानव शरीर में दर्दहीन ग्रंथि है लीवर। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा किस रोग से मरते हैं? वह टीवी, सही जवाब। जबकि उसका 100% ट्रीटमेंट है। भारत में सबसे ज्यादा लोग टीवी से मरता है। ठीक है, आगे सवाल, कोरोना सबसे पहले किस देश में देखा गया था? चीन में ही तो याद होगा आप लोगों को, कितना अच्छा लगा होगा। चीन के किस शहर में? वुहान में। तो चलिए
फिर आते हैं नेक्स्ट 2 मिनट बाद।